R&S Yunani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में लॉकडाउन के दौरान जो लोग थोड़ा सी देर हो जाती है, 10 मिनट 5 मिनट आने में, घर को जाने में देर हो जाती है, इन ऐसे लोगों को और कुछ लोग जो दुकान या छोटी सी चाय खाने को बंद करने में थोड़ी सी देर हो जाती है, ऐसे गरीब लोगों को केसेस बुक करके कोर्ट को आज भेजा है। अब आज कोर्ट में जब ये जैसे ही चालान सुने, 4,000 से 4,500 ये बेचारों के होश फाख्ते हो गए और गरीब परेशान हो गए। अब देखिए, इस लॉकडाउन में फायदा तो हुकूमत का हुआ है, नुकसान गरीब आवाम का हुआ है, क्योंकि मास्क ना लगाने वालों से 31 करोड़ रुपए हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट वसूल की है। अब चालानात के जरिए दूसरे, अब 5-10 मिनट जो लोग लेट हुए हैं उसकी सज़ा अगर 4,000 से 4,500 है, तो फिर अब अल्लाह ही जाने ये हुकूमत अवाम के साथ जुल्म कर रही है या फिर अवाम की भलाई कर रही है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ से लोगों ने कोर्ट में 20-25 लोगों ने एक जगह ठहर कर हमें ये वीडियो लेकर भेजा है। ये कोर्ट का भी मंज़र आप देख सकते हैं, हमारे KCR साहब ने और हमारी ट्रैफिक पुलिस ने किस तरीके से चालानात किए, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपकी शॉप किधर है पहले बोलो, कौन सा पीएस लगता? कई की शॉप है आपकी? कितना चालान मारे आपको? 4,500 रुपये बोल रहे हो, लाके चालान अभी देने की भी स्लिप बोले, फोन बनने पड़ा है जने, पूरे जने चालान ज़्यादा लिख रहे बोलते हैं। कहीं की शॉप है आपकी? ये मटन शॉप है सर। किधर? नारायणगुड़ा पे लगती है आपकी? इंगोटी पर्दा गेट में। 5 मिनट लेट हुआ तो चालान डाल दिए। 5 मिनट लेट पे छुआ? आपका कितना लेट हुआ? 10 मिनट। 5-10 मिनट पे 4,500 का चालान मार दिया। ज़्यादा पैसे यहाँ पर किंगोटी शेयर गेट के पास एक एरियम शॉप है, फिजिकली हैंडीकैप हूँ मैं, मेरे को क्या हुआ सामान रखने के लिए मेरे को 2-3 मिनट लेट हुआ, सामान रख रहा हूँ बोले सभी आए आके गाड़ी में चलो, पहले वैसे छोड़ दो दुकान खुली रहने दो, चलो 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 बोल के गाड़ी में बिठाए, गाड़ी में बिठा के मेरे को नारायणगुड़ा PS लेके गए, लेके आके मैं बात भी करा अपने दोस्त से, पुलिस में ज़रा रियायत करो बोले तो ठीक है ठीक है आप जाओ, कुछ भी नहीं है यहाँ पेपर पे साइन कर लो, बल्कि साइन कराए मेरे से बस। उसके बाद दूसरे दिन आए, केस क्लोज कर रहे हैं बल्कि, केस क्लोज कर रहे हैं बल्कि बताए, पर केस नहीं क्लोज करे, मैं अल्लाह कहीं का केस बना ही नहीं ना बोले तो नहीं नहीं केस क्लोज कर दे रहे, वो केस हुआ ना, केस क्लोज कर रहे हैं आपका, आप बल्कि साइन करो बल्कि साइन लिए बाद जाते वक्त क्या बोल रहे हैं कि आपको कोर्ट को आना पड़ता। मैं बोला अब केस क्लोज हो गया बात, कोर्ट को कहीं को आऊँ बल्कि मैं बताया तो नहीं नहीं एक वक्त आके जाओ, केस क्लोज हो रहा हो बोल के ऐसा बताए, अब यहाँ पर आए तो 4,500 रुपये फ़ाइन होता बोल के बता रहे, अननेसेसरी लॉकडाउन में उतना कमाई नहीं हम लोग। कितना टाइम हुआ? तो 10 मिनट हुआ खाली लेट, उतना कमाई नहीं हम लोग, उतना वो हो गया लॉकडाउन में। मेरा एक फूड कोर्ट है तो चाय के लिए बिजनेस के लिए आए थे, तो मैं भी सोचा था कि 5:10 का मेरा टाइम था, एक्चुअली मैं कटिंग के शॉप में मेरे को लेट हो गया था, बट मैं आने तक वो मदर नहीं थे, हमारे जीजाजी का भी हैंडीकैप है, उसके ऊपर कहकर लोग रिएक्शन करके उल्टा फ़ोटो निकाल के डबल कर दिए, डबल करने से मैं वो आओ चलो पुलिस वाले बुला रहे, सब इंस्पेक्टर आपके ऊपर FIR केस बुक कर रहे हैं, बोलते ठीक है साहब मैं आ रहा हूँ बोलकर लेके गया, बाद में ये है वो है बल्कि आज हम 11:10 बजे सब इधर हम 15 से नारायणगुड़ा PS होली पर नारायणगुड़ा PS के केसेस बुक है, सो इधर आए सो जी दूसरे PS के केसेस एक भी नहीं है इधर, नहीं हम तो सिर्फ नारायणगुड़ा PS के, बट लोगों वो डिसीशन वो लोग ले गए, ओनली नारायणगुड़ा चिकटपल्ली और रामकोट किंगोटी बशीर पार्क ये ओनली जो फॉर्मेलिटीज है उनका तो पूरा ओपन ही बिजनेस कर रहे थे, जो भी है ब्लैक बिजनेस चल रहा है अपने इंडिया में, हैदराबाद में भी ब्लैक बिजनेस चल रहा है, जी की चाय वाला रहो या बिस्किट वाला रहो ना होटल वाला कोई भी रहो, जोमेटो स्विगी वो भी सब
ओपन ही चाहिए, बट हम गरीब लोगों को ऐसा कर रहे बोले तो चालन हाँ ये सपोर्ट 400-500 है। मेट्रोलेटन टर्मिनल हैदराबाद है रामपल्ली रोड से 4,500 रुपये का चालन फाड़ने की कोशिश में है, बट 4,500 रुपये जेल होता करते बोल के सुने चालन नहीं भरे तो जेल करते हाँ जेल ले करते चलो देखना है उसका एक्शन हम गरीब लोग कर दे हैं सब सबके लिए आपका मैसेज है प्लीज। कितने लोग हैं कम से कम यहाँ पे पूरे 20-25 लोग हैं पूरे पूरे नारायणगढ़ के बंडी वाले के भी है मौस की बंडी वाले भी है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंसर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज आपकी आवाज।